सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसे कि इच्छा जताई जा रही थी कि जो हमारा जो व्हाट्सएप जो चैट ग्रुप है उसको हम अपने गूगल फॉर्म लिंक से कैसे शेयर करें, तो मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है, हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का अपना एक ग्रुप बना लिया होगा, जैसे कि हमने भी बनाया है। तो हमने जो ग्रुप बना रखा है अपना संस्कृत का, संस्कृत गान प्रतियोगिता पौड़ी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि ये जो लिंक है इस लिंक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, एक तो ऐड पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आता है और दूसरा आता है इनवाइट वाय लिंक। तो इनवाइट वाय लिंक में आपने क्लिक करना है और इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करके हमने कहाँ पेस्ट करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब देखिए, आपने जो गूगल फॉर्म बनाया या तो आपने पहले बना लिया होगा या आप अब बनाएंगे, तो अगर आपने बना भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको ये लिंक कहाँ पर पेस्ट करना है। बेसिकली हमको करना क्या चाहिए कि जैसे ही बच्चा सबमिट करे, सबमिट करने के बाद जो उसके पास रिस्पॉन्स आता है थैंक यू वाला, उस थैंक यू वाले रिस्पॉन्स के साथ ही हमको वो चैट का लिंक देना है, जिससे कि बच्चा उस लिंक को क्लिक करे और वो डायरेक्ट ही हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप से ऐड हो जाए। क्योंकि अगर हम फॉर्म के अंदर उसको देते हैं तो फॉर्म के अंदर डायरेक्ट उसको क्लिक कर लेते हैं, तो कई बार ये होता है कि माना बच्चा फॉर्म सबमिट नहीं भी करता है तब भी वो बच्चा वहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसलिए हमको कोशिश यही करनी है कि जब बच्चा फॉर्म को जमा कर दे उसके बाद ही उसको वो लिंक दिखे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो लिंक आपको कहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब देखिए, जो आपने फॉर्म्स खोल रखे होंगे अपने, जहाँ पर आपने गूगल फॉर्म बना रखा होगा, तो आपको टाइप करना है forms.google.com। ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी बना सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आता है। वैसे तो मोस्टली जितने भी लोग हैं सबको ये आता ही है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने कोई फॉर्म बनाया है, तो जैसे हमने संस्कृत प्रतियोगिता का ही जो हमने फॉर्म बनाया था, संस्कृत प्रतियोगिता, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन, ये जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रतियोगिता की जितनी भी नियमावली हैं या कोई आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं बच्चों को, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले प्रतिभागी का नाम ही है, तो प्रतिभागी का नाम जैसे आप देंगे तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन का जो टाइप है ऑटोमेटिकली सॉल्व आंसर हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो कहीं कहीं पर हमको ये मल्टीपल चॉइस देने पड़ते हैं, कहीं पर हम बेसिकली हमारे पास जो भी फील्ड्स हैं उसमें पाँच छः उसमें ड्रॉप डाउन चाहिए होते हैं हमको। जैसे आपने ब्लॉक का नाम डालना तो ब्लॉक का नाम आप ड्रॉप डाउन से डाल सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन जैसे ही बच्चा वहाँ पर क्लिक करेगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में उसको एक नाम क्लिक करना रहेगा। तो इसमें आपने ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो ये रिक्वायर्ड फील्ड है इसको आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब तक बच्चा उस फील्ड को भरेगा नहीं तब तक बच्चा आगे फॉर्म में नहीं बढ़ पाएगा, उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि माना आप इसमें एकेडमी का लोगो आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे लोगो। देखिए, सबसे टॉप कॉर्नर में यहाँ पर एक पैलेट आ रहा है ये वाला। अब देखिए, यहाँ पर आपने करना है चूज इमेज। चूज इमेज जब आप करेंगे तो चूज इमेज में हम जाएंगे अपलोड वाले फील्ड में। कुछ इसमें ऑटोमेटिक थीम्स दी हुई होती हैं, तो ऑटोमेटिक थीम्स में भी आप कोई पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेडीमेड बनेंगे इसलिए उसमें एकेडमी का लोगो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी गैलरी में कहीं पर बना हुआ रखा होगा, तो मैं वहां पर से पिक कर लूंगा। मैंने कहीं पर बनाया हुआ था, लेकिन अगर मुझे देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाएगा तो मैं आपका कोई दूसरा लोगो वहां पर ऐड कर दूंगा। फिलहाल लोगो तो मेरे पास दिख रहा है ये, लेकिन एक्चुअली जो मैं चाह रहा था वो एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अभी मतलब आपको पीछे से कोई बैक एंड में कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद हम वहाँ पर ऐड करेंगे। फिर से कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मैं अभी कोई एक दूसरी थीम दे रहा हूँ, उसमें लोगो तो नहीं आ पा रहा है, तो इसी बीच में आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपना गूगल फॉर्म भी आपको शेयर कर दूंगा, उसमें ऑलरेडी वो बना हुआ है, आप डायरेक्ट उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर से कर लिया और ये हो गया डन। तो ये जो थीम है ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये ऊपर आ गया, आप इसके बीच में चाहे लोगो भी डाल सकते हैं, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, क्योंकि हमने जो गूगल फॉर्म बनाया हुआ है उस गूगल फॉर्म में ऑलरेडी ठीक यही बैकग्राउंड है, उसके सेंटर में एकेडमी का लोगो है। तो आप इसमें
और भी कई सारी चीजें डाल सकते हैं। तो अब जो हमारा जो मेन काम है, जो चैट का जो लिंक है, चैट का लिंक हमने इसमें कैसे डालना है, तो अब देखो आपको जाना सेटिंग्स में। अब देखिए सेटिंग्स में लास्ट में आपने जाना प्रेजेंटेशन में। अब देखिए प्रेजेंटेशन में एक फील्ड आ रहा है ये कन्फर्मेशन मैसेज। अब देखिए कन्फर्मेशन मैसेज में हमने क्या करना है, एडिट। एडिट में एक तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ये अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो ये तब भी यहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। तो अब हमने हिंदी में लिखना है, माना कि आपका फॉर्म फॉर्म जमा हो गया है, तो ये आपने टाइप कर लिया। अब देखिए अब आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं कि भाई जो भी जो नई सूचनाएं हैं, मतलब इस प्रतियोगिता संबंधी नई सूचनाओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, या सारा इसमें लिख सकते हैं। और वो लिंक यहाँ पर आप जो लिंक पर मैंने पीछे से पेस्ट किया था वो लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया ये लिंक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक हो गया। तो बस अब आपने ये कर दिया, उसको सेव कर देना है। तो अब भैया यहाँ पर फोन आ गया इसकी, आपका फॉर्म जमा हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप से, यहाँ पर मैंने वी लिख दिया, उसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ गलत हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही बच्चा फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा, और इस लिंक पर क्लिक करते ही जैसे उस लिंक को क्लिक करेगा उसके बाद उसके पास ऑप्शन आएगा भी ज्वाइन द ग्रुप। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एक लोड रहता है कि बच्चे के पास जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को हमको अपने ग्रुप में ऐड करना है, तो वो सारा हमारा जो प्रॉब्लम है वो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं यहाँ पर अपना नंबर भी लिख देता हूँ, ये नंबर है मेरा वैसे, इसी में मैं लिख देता हूँ अपना नंबर, नंबर बता देता हूँ आपको, ये मेरा नंबर है। वैसे मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी डाल दूँगा इस नंबर, ये मेरा नंबर है 7983031351। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर इसकी बात भी, जैसे कि हमको फेसबुक ग्रुप भी बनाना है, तो फेसबुक ग्रुप में भी बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा वैसे। लेकिन अगर आप अभी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच।